145 दिन पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका आज कश्मीर में समापन हो गया। 145 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भारत के कन्याकुमारी से शुरुआत कर कश्मीर तक पैदल यात्रा किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई बार उनकी मां सोनिया गांधी, इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा तमाम कांग्रेसी लीडर शामिल हुए। समय समय पर विपक्षी दलों के भी कई नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए। साथ ही साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आईं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया था। साफ तौर पर राहुल गांधी आम आदमी के बीच में जाकर उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें अपना संदेश देना चाहते थे। राहुल गांधी ये जानना चाहते थे निश्चित रूप से कि भारत के अलग अलग राज्यों में जहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म जाति के लोग बसते हैं, वो कांग्रेस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। काफ़ी हद तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो एक छवि थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी और लोगों के बीच में जो है राहुल गांधी ने खुद जाकर अपनी जो पर्सनैलिटी है लोगों के बीच में रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा राहुल गांधी को लेकर कई ऐसे हमले किए गए उनकी छवि को लेकर, जिससे कांग्रेस पर नकारात्मक असर पड़ा। तो अब आज इस यात्रा का समापन हो गया है। समापन के दौरान कश्मीर के में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर राहुल गांधी ने झंडा लहराया और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आई। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को एक संदेश देना था, आपस में जोड़ने का संदेश देना था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा जो एक माहौल खराब किया जा रहा है और आपसी भाईचारा जो तोड़ा जा रहा है, हम उसे इस यात्रा के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि जिस तरीके से 145 दिन तक राहुल गांधी पैदल यात्रा चले, जो उन्होंने संघर्ष किया, इसका 2024 में क्या कुछ परिणाम निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।